सरकार दे रवैये तो नाराज चल रहे लगभग 16 संगठन जिन्हां दे विच खेत मजदूर आंगनवाड़ी वर्कर पानवास कर्मचारी वन विभाग कर्मचारी सफाई सेवक जिन्हां ने श्री मुक्तसर साहब दे मलोट बठिंडा बाईपास नूं पूरी तरह नाल जाम करके सरकार दे विरुद्ध जम के नारेबाजी करदे होए रोष प्रदर्शन किया। दस दिए कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हां दी मंगां नूं पूरा नहीं करदी तद तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दूजे पासे इस मौके ते पुलिस टीम की अगवाई कर रहे थाना सिटी के मुखी SHO अशोक कुमार ने दस्सिया कि स्थिति उन्हां दे पूरे काबू विच है अते लो एंड ऑर्डर नूं कायम रखने लई हर तरह की कोशिश की जा रही है। दसनयोग है कि ट्रैफिक की वड्डी समस्या के चलते जिला प्रशासन अते DC दे आदेशों ते तहसीलदार मनदीप भंडारी ने मौके ते पहुंच के धरनाकारियों का मंग पत्र स्वीकार कर उन्हां नूं भरोसा दिता कि जल्द उन्हां दीआं मंगां सरकार तक पहुंचा दित्तीआं जाणगीआं। पंजाब सरकार वालों बहुते पिछले लंबे समय तो लैके साडियां जिहड़ियां मंगा जायज मंगा बिल्कुल मनण योग मंगा जिहड़ियां उह समय समय सिर लटकाइयां जा रही हैं। सानू जिहड़े अपने हक है वह पंजाब सरकार वालों नहीं दिते जा रहे। असीं अज पंजाब सरकार तो मंग करते हैं कि सानू रैगूलर किया जाए, रैगूलर मुलाजमान वाला जिहड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट 2016 का वो साडे ते लागू किया जाए। अलग अलग ना ट्रेड यूनियन पंजाब रोड पनबस के जोड़े है ठेकेदार जोड़े मुलाजम लगे हुए वो एंड जोड़े है अपने जंगलात महकमे के उन्होंने अपना मंग पत्र देना सीगा। सो उन्होंने मंग पत्र के समय असं एज ए सिक्योरिटी के तौते आए हैं। पहुंचे प्रशासन अधिकारी कोई? हाँ जी हाँ जी, है तहसीलदार साहब आए उन्होंने मंग पत्र दे के सो इन्होंने आप नहीं नहीं किसी किस्म की कोई गलबात बिल्कुल जी जानकारी पहुंची है। तो मैं मेरी ड्यूटी लाई बाणजोग डिप्टी कमिश्नर साहब मुक्तसर जी ने भी इतने जाके आंगनबाड़ी मुलाजम जो कि धरने से बैठे है जंगलात विभाग के पंजाब रोडवेज के एक मुलाजम बैठे धरने से इन्हों तो मंग पत्र लिया तो जो इन्हों की मंग है इन्हों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाऊ। AS शान की स्पैशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द TV NRI।